दोस्तों मैच नंबर 37 चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस हार गया, चेन्नई सुपर किंग जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन गया। फिर एक बार कप्तान धोनी एम्पायर को फैसला को गलत साबित कर दिया, इसीलिए DRS सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। यह बात पूरी दुनिया जानता है कि धोनी का रिव्यू कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों अगर आप भी धोनी को अपना फैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों सबसे पहले यह मुंबई और चेन्नई के बीच में जबरदस्त मुकाबला खेला गया। IPL का यह मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहा। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त 98 रन की शानदार पारी खेली। वहीं मुंबई की टीम 156 रन का स्कोर को पीछा करने के लिए उतरा लेकिन नाकामयाब रहा, 20 ओवर में महज 136 रन बना पाए। इसी दौरान तीसरे ओवर में जब दीपक चहर गेंदबाजी कर रहे थे उनके सामने थे डिकॉक के सामने गेंद डाला और वह सीधा पैड में लग गई। CSK के सारे प्लेयर अपील किया लेकिन एम्पायर ने इन्हें नॉट आउट करार दे दिया। फिर धोनी के ऊपर गया कैमरा और धोनी ने तुरंत DRS ले लिया और इस पर आउट का इशारा दिया। एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा, इसीलिए रिव्यू सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है और धोनी का यह DRS सही साबित हुआ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर ले इसी तरह के और क्रिकेट न्यूज़ के लिए।